वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज की वीडियोस में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8th का केमिस्ट्री का चैप्टर। तो कई स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे क्लास 8th के लिए, तो हम वैसे काफ़ी इजी चैप्टर्स ही हैं आपकी क्लास 8th की, कुछ हार्ड नहीं है। तो एक मेटल नॉन मेटल का चैप्टर्स था, उसके पहले भी मेटल नॉन मेटल के बारे में चैनल्स पे के कुछ टॉपिक्स तो हैं। वैसे हम सेपरेट एक ही लेक्चर्स लेंगे, उसमें कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज करवा देंगे। वैसे एनसीईआरटी ने डिलीट भी कर चुके हों आपके नॉलेज के लिए। लेशन आपका जो सेकंड लेशन आपका केमिस्ट्री की हम बात करें तो वो आपका क्लास 8th केमिस्ट्री का है, कंबस्टन एंड फ्लेम। ये भी काफ़ी इजी है कंबस्टन एंड फ्लेम के बारे में। तो आज की वीडियोस में हम इसको हाफ कवर कर लेंगे। ओवरऑल इंट्रोडक्शन मतलब चैप्टर को रीड करने के बाद आपको क्या सीखा हमने, वो ओवरऑल हम कंक्लूड करके आपको बताने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लास 8th का केमिस्ट्री एंड फ्लेम चैप्टर है। एक बार ओवरऑल इंट्रो बता देते हैं क्या पढ़ना है इसमें। कंप्लीट चैप्टर्स में पढ़कर स्टूडेंट्स आपको ये देखना है कि पहले तो कंबस्टन होता क्या है, चैप्टर्स के नाम से फ्लेम क्या होती है, कंबस्टन क्या होता है, कंबस्टन क्या होता है और कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कंबस्टेबल को शो करते हैं, कंबस्टेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं आपके पास। फिर हम इसमें देखेंगे दो टाइप के होते हैं आपके पास, फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल को देखेंगे। ठीक है, फिर हम इसमें डिस्कस करना है आपको, मान लो कि आपको हम डिफाइन कर देंगे कि कंबस्टन का मीनिंग क्या है। फिर उसको अगर आप मान लो कि आपके पास फायर लगी है आग, तो उसको अगर आपको कैसे हम स्टॉप कर सकते हैं, आग बुझाने के लिए किसका यूज़ करेंगे, तो उन मेथड्स को आपको डिस्कस करना है। बाद में आपको ये डिस्कस करना है कि जो फ्लेम्स आप देखते हो, ठीक है। हाँ, एक टर्म इससे पहले हम डिस्कस करनी है इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, वो थिंग्स देखेंगे। उसके बाद जो फ्लेम है उसमें भी क्यों डिफरेंस होता है, उसका रीजन भी हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपने देखी होगी, एक तो आपने मोमबत्ती को जलाया, कैंडल्स को आपने जलाया है, और सेकंड थिंग्स आपने गैस स्टोव को जलाया, गैस स्टोव पे आप घर जलाया, तो उसकी ब्लू फ्लेम्स मिलती है, उसकी येलो, तो उसका भी रीजन बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, वो थिंग्स देखेंगे। उसके बाद जो भी आपकी फ्लेम्स है, जैसे हम देखते हैं इस टाइप से, तो फ्लेम के तीन पार्ट होते हैं, अंदर वाला पार्ट क्या है, आउटर वाले पार्ट क्या है, तो उसके मेन पार्ट्स को आपको देखना है और कौन से सब्सटेंस है जो कंबस्टेबल है उनको देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा टर्म डिस्कस कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स, कंबस्टन। तो कंबस्टन का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो सिंपल सा मीनिंग ये होता है, कंबस्टन क्या होता है, केमिकल प्रोसेस है। फर्स्ट थिंग्स, दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल प्रोसेस बोल सकते हो, केमिकल, ठीक है। फिजिकल में कोई न्यू प्रोडक्ट या न्यू रिएक्शन नहीं फॉर्मेशन होती, सिंपल। केमिकल्स में एक नया रिएक्शन, नया प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है आफ्टर ए रिएक्शन। तो सबसे पहले हम आपसे कोई पूछे तो कंबस्टन पूछ ले कि बताओ फिजिकल प्रोसेस है या केमिकल, तो फर्स्ट थिंग्स क्या है आपके पास, ये एक ऐसा प्रोसेस है केमिकल प्रोसेस, और होता क्या है इसके अंदर कंबस्टन में कि कोई भी सब्सटेंस है और उसको क्या मिली, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर वो क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है हीट को और लाइट प्रोड्यूस होना, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, आपके ऑक्सीजन को। ये तो आपको पता है कि अगर आपको बर्निंग करनी है तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है बर्निंग के लिए, क्या होना चाहिए आपके पास, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन होता है तभी आपका ऑक्सीजन क्या होता है स्पॉट रोल बर्निंग के लिए चाहिएगा आपको। तो कोई भी कंबस्टन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है आपके पास ऑक्सीजन के साथ में, और टू फॉर्म क्या बना देगा आपके पास, हीट दे देगा या लाइटनिंग भी हमारे पास प्रोड्यूस होती है, वो सारी थिंग्स अपने को देखनी है, ठीक है। कंबस्टेबल, अब देखो ये तो था कंबस्टन की केमिकल प्रोसेस था जिसने सब्सटेंस ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और बर्निंग हो गई, ठीक है, और उसको हमें आपको हीट मिल गया वहां से और लाइटनिंग प्रोड्यूस होगी। जो सब्सटेंस कंबस्टन को शो करेंगे उन सब्सटेंस को हम क्या बोल देंगे, कंबस्टेबल सब्सटेंस। अब आपके आसपास आप देखते हो बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, सारे तो कंबस्टेबल नहीं होते ना। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पे वुड, लकड़ी लिख दिया। सेकंड थिंग्स मैंने यहाँ पे रख दिया स्टोन, या मैंने यहाँ पे रख दिया कांच, ग्लास है, ठीक है, ठीक है। अब आपने पास वुड लिया, लकड़ी को तो आपने देखा होगा जलाते हैं ना आपने, तो मैचस्टिक्स हमने किया और वुड लकड़ी है, तो वो कैसा सब्सटेंस हो गया, कंबस्टेबल। पत्थर है, पत्थर को आग लगती है नहीं, तो वो कैसा सब्सटेंस है, नॉन कंबस्टेबल। ग्लास है या कांच बोल सकते हो, तो वो भी क्या है, नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस है। दूसरा आप कैंडल भी बोल सकते हो, मैचस्टिक भी बोल सकते हो, वो सारे क्या है आपके, या जो बर्निंग फ्यूल गैस स्टोव वाला, वो भी सारे क्या है, कंबस्टेबल सब्सटेंस। तो वो सब्सटेंस जो कंबस्टन को शो करेंगे, जो जिससे आपके बर्निंग हो जाती है और हीटिंग और लाइट अर्निंग आपको प्रोड्यूस करेंगे। ये सिंपल सा कंबस्टन का मीनिंग था, ठीक है। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, मान लो यहाँ से आपको आग लग गई, आपने सुना होगा कि जैसे आग लग जाती है तो तीन वे आप कर सकते हो। सबसे पहले जब तक आग नहीं हम वो करते हैं ना, जैसे गैस स्टेशन वालों को बताया कि हमारे आग ऐसे ऐसे लग, कई बार देखा होगा अपने घरों में कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, या जैसे मौसम आपने देखा होगा रेनी सीजन में तो वहाँ पे हो गया, या कोई वायरिंग वगैरह का अलग अलग इश्यू हो सकता है आपका फायर लगने का।
तो उसको स्ट्रोक करना है तो फर्स्ट तो आप जैसे सिंपल अगर किसी व्यक्ति को लग गया किसी और चीज को किसी वस्तु तो आपको बुझाना है तो हम आपने सिंपल ब्लैंकेट का यूज किया। आपने क्यों यूज किया, हम क्या चाहते हैं, देखो आग लगी है तो आप जो भी सब्सटेंस संभालो, एक को आग लग गई सपोज फायर लगी है तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का अगर हम कॉन्टेक्ट बंद कर देंगे ऑक्सीजन के साउंड में नहीं आएगा तो आग हम स्टॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने किसी भी चीज से उसको क्या कर लिया, क्लोज कर दिया, ढक दिया उसको, ब्लैंकेट का यूज कर लिया। ये तो सिंपल सा वे था जब नहीं किया। सेकंड थिंग्स हम क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, क्योंकि पानी क्या करेगा, जो फायर है आग है जो हीट प्रोड्यूस हो रही है तो अब्जॉर्ब करेगा, कूलिंग प्रोड्यूस करेगा तब पानी में। लेकिन पानी भी याद रखना स्टूडेंट्स तभी हम यूज कर सकते हैं पानी का, तब जो आपकी फायर लगी है वो किसकी वजह से नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल अगर मान लो इलेक्ट्रिकल सर्किट की वजह से हो गई, आपका कोई वायरिंग खराब हो गई और पानी उसकी, तो वहां पे क्या होगा, अगर आप पानी डालोगे तो आपको ही करंट लग सकता है क्योंकि वाटर गुड कंडक्टर है तो क्या करेगा उसको, या आपके जब बड़ी क्लासेस में आओगे तो इन डिटेल पढ़ते हो कि कंडक्टर में क्या है, इंसुलेटर में कैसे ये वर्क करते हैं, फिर आपके पैराडाइम वाला अभी के लिए ठीक है। तो हर जगह आप वाटर का यूज नहीं कर सकते ठीक है, वाटर का यूज हमने अगर नॉर्मलाइज करें तो वाटर का यूज कर लिया। थर्ड थिंग्स हम क्या करते हैं, फायर एक्सटेंग्विशर, फायर एक्सटेंग्विशर। तो फायर एक्सटेंग्विशर में कौन सी गैस होती है आपकी स्टूडेंट्स, CO2 गैस। CO2 गैस वैसे हैवी होती है, ऑक्सीजन गैस हल्की होती है। अब क्या होता है कि जैसे आग लग भी ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आ गया, जब हम CO2 आपने देखा होगा बिल्डिंग्स में स्कूल्स में या जो भी, तो वहां पे आपका रेड कलर की बोतल होती है ऐसे लगी होती है ना ठीक है, यहाँ स्प्रे नोजल होती है उसकी, तो जब ये स्प्रे नोजल किए जाते हैं फायर एक्सटेंग्विशर वाले आते हैं तो इसमें कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस। तो यहाँ ऑक्सीजन थी, जब आपने CO2 गैस की स्प्रे की तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सी गैस आ गई, CO2 गैस आ गई। अब फिर से बाहर ऑक्सीजन का कॉन्टेक्ट नीचे वाली चीज से बंद हो गया तो आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है आपकी। तो ये वैसे अगर इसका मैकेनिज्म्स की बात करें तो स्टूडेंट्स में तीन चीजें होती हैं आपके पास, एक होता है आपका NaHCO3 ठीक है, NaHCO3 होता है इसके अंदर, फिर होता है एक सल्फ्यूरिक एसिड, एक आधे कंपोनेंट और भी होते हैं मेनली अगर हम बात करें उसके अंदर, ऐसे जो आपका बना होता है यहाँ पे एक ग्लास की ट्यूब होती है या नोजल स्प्रेस टाइप की, इसके अंदर होती है सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम इसको दबाते हैं तब ये सल्फ्यूरिक एसिड वाली ब्रेक हो जाती है और यहाँ से प्रोडक्ट बनता है तुम्हारा Na2SO4 स्टूडेंट, CO2 गैस बाहर निकलती है प्लस H2 ठीक है, ये एक साल्ट है और ये जो गैस है यही काम करेगी तुम्हारी आग को बुझाने में। तो फायर एक्सटेंग्विशर अभी के लिए आप सिंपल याद रख सकते हो कि कौन सी गैस का यूज किया जाता है, CO2 का। तो स्पोर्टर कौन है, ऑक्सीजन सपोर्ट करती है फायर के लिए और अगर आपको बुझाना है उसको अपोजिट कौन करेगा, CO2 गैस करेगा। और दूसरा क्वेश्चन, CO2 रोटो में कौन सी गैस हैवी है कौन सी हल्की है, तो ऑक्सीजन वाली गैस हल्की होती है, CO2 भारी होती है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। अब उसके बाद स्टूडेंट्स आपको ये पता चल गया कि कंबस्टन है क्या, कंबस्टेबल सब्सटेंस है क्या, कैसे आप फायर लगी तो उसको प्रिकॉशन कैसे कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं आपके पास ठीक है, सिंपल से मीनिंग था। और अभी एक क्वेश्चन हमने आपको बताया कि एक आपके पास कैंडल की फ्लेम वाला था ठीक है, कैंडल्स की फ्लेम हो रही है और एक आपने गैस स्टोव जलाते हुए आपने गैस चूल्हा जलाया, उसमें कौन सी गैस होती है, LPG है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस ठीक है, इसका कंफ्यूजन। तो इसका कलर तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा येलोइश टाइप होता है और लकड़ी में भी देखा होगा आपने, और अगर गैस चूल्हे को जलाते हैं तो कलर मिलता है स्टूडेंट्स ब्लू ठीक है। वैसे तो अगर इन डिटेल बात करें तो कलर ये आपके हायर क्लास में आता है कि कौन से कलर की वेवलेंथ रीजन ज्यादा होती है, अभी के लिए आप इतना समझो फ्लेम वाले वे में बता रहे हैं कि ब्लू कलर क्यों आता है और येलो क्यों आता है। ये तब होता है स्टूडेंट जब आपके पास जो आपका फ्यूल है उसकी इनकम्प्लीट बर्न हो, पूरा बर्न ना हो, इनकम्प्लीट बर्निंग हो इन प्रेजेंस ऑफ किसके, एयर में, या ऐसे भी बोल सकते हो इसको क्या हुई प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिली, जितनी मिलनी चाहिए थी ना बर्निंग के लिए कंप्लीट जल जाए कोई थिंग्स, तो प्रॉपर ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना होने की वजह से उसका अच्छे से बर्न नहीं हो पाएगा, कुछ रेजिड्यू पार्टिकल रह जाते हैं, इसमें भी वैक्स रह जाता है आपका मोमबत्ती में, कैंडल की अगर बात करें तो इसका कलर कैसा होता है स्टूडेंट्स, येलो होता है। और सेकेंड थिंग्स अगर हम बात करें गैस स्टोव वाला, यहाँ आपका क्या होता है LPG, तो इसमें क्या होते हैं अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स आप देखते हो, लिक्विड पेट्रोलियम का कार्बन के अलग अलग कार्बन, मीथेन होता है, इथेन इस टाइप से। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंप्लीट बर्निंग हो जाती है 100% ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो अगर कंप्लीट बर्न हो गया आपका फ्यूल तो उसका कलर येलो मिलता है और यहाँ पे कुछ पार्टिकल रह जाते हैं। अगर इसमें भी स्टूडेंट्स कंप्लीट बर्न नहीं हो रहा तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा कलर येलो इस मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे LPG गैस है जब आप चलाते हो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में वो 100% बर्न हो जाता है। ऐसे समझ लो कि मान लो आपने पेपर लिया, आपने मैचस्टिक से उसको आग लगा, अगर वो पूरा जल गया, एक वो थी थोड़ी सी लगी उसको कंप्लीट बर्न नहीं हो पाया तो ऑक्सीजन, तो वही मीन्स है यहाँ पे, अगर कंप्लीट बर्न हो गया है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, पूरा जल गया जो भी फ्यूल था उसका, तो कलर येलो हो जाता है।
तो आपका कलर ब्लू मिलेगा, हमने उल्टा बोल दिया, आपके ब्लू मिलेगा। और अगर आपका कंप्लीट बर्न नहीं हुआ, कुछ पार्टिकल रह जाते हैं यहाँ पे विवेक्स, तो आपका पास क्या बोलते हैं हम, येलो मिलेगा। तो इनकम्प्लीट बर्निंग है तो येलो, और कंप्लीट बर्न हो जाते हैं आपके पास तो क्या हो जाता है, ब्लू। ये रीजन था कि कैंडल और इसका फ्लेम क्यों मिलता है हमें अलग अलग, ठीक है। और वैसे अगर वेवलेंथ का रीजन पूछे तो ये होता है, अभी आपका नहीं है वो, इस साइड जाते हो तो कलर और वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, उतना इंटेंस होता जाएगा। तो एक का कलर कैसा मिल रहा था, येलो, और सेकंड का कलर क्या मिल रहा था, ब्लू। इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है वैसे, और इसकी कम होती है। ये अभी नहीं है आपकी, बड़ी क्लासेस में जाओगे तब आपको पढ़ना होता है। सेकंड थिंग स्टूडेंट्स, आपको एक टर्म देखनी है, इग्निशन टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स, इग्निशन टेम्परेचर का सिंपल मीनिंग क्या होता है, वो मिनिमम टेम्परेचर, कम से कम वो टेम्परेचर जिसके ऊपर जो आपका सब्सटेंस है वो फायर को कैच कर ले, ठीक है, बर्निंग हो जाए उसकी, तो उसको क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। और ये स्टूडेंट्स हर एक सब्सटेंस का अलग अलग होता है। कोई मान लो इग्निशन 10 के ऊपर हो सकता है, आपने थोड़ी सी हीट दी, कंप्लीट बर्निंग होगी, किसी को आपको ज्यादा भी देनी पड़ सकती है, ठीक है। तो इग्निशन टेम्परेचर हर एक का कम है, और ये थिंग्स ये होती है कि जितना आपका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपके सब्सटेंस को ज्यादा टाइम लगेगा बर्निंग में, और जितना आपका इग्निशन टेम्परेचर कम है तो उतना ही वो जल्दी बर्न हो जाएगा। जैसे मैंने ए मान लिया कि 20 है बर्निंग टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट सेल्सियस भी होती है, केल्विन भी, मान लो कि मैंने सेल्सियस में बोल दिया केल्विन, बी वाले सब्सटेंस को मैंने बोल दिया आपको 100 है, आपसे पूछ लिया बताओ, नाम नहीं बताया क्या सब्सटेंस है, बताओ कौन से सब्सटेंस है जो जल्दी इग्नाइट हो जाएगा, जल्दी बर्न हो जाएगा, कौन कैच करेगा फायर को जल्दी। तो एक को 20 है तो इसको तो थोड़ा सा टेम्परेचर आप देते ही क्या हो जाएगा, कंप्लीट बर्न, इसके लिए हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो जितना इग्निशन टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतना ही आपका लेट बर्न होगा, और जितना कम होगा उतना ही जल्दी इग्नाइट हो जाएगा, जल जाएगा। तो इग्निशन टेम्परेचर वो कम से कम टेम्परेचर जिसके ऊपर आपका सब्सटेंस बर्निंग को टेक प्लेस कर लेता है। या हमने आपको ये भी दिखाई थी, जैसे फॉरेस्ट में आपकी आग लग जाती है ना, तो वहां गर्मी में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो जो पेड़ों की पत्तियां हैं ड्राई लीव्स को वो इग्नाइट मिनिमम टेम्परेचर मिल जाता है। मिनिमम टेम्परेचर कौन सा, इग्निशन टेम्परेचर, जिसे वो खुद से ही क्या कर लेती हैं, कैच कर सकती हैं फायर को। हर एक सब्सटेंस के लिए मैं अलग अलग है, जैसे आप लकड़ी को जला रहे हो, गैस को जला रहे हो, या कोई और सब्सटेंस को, पेपर को जला रहे हो, तो किसी हर एक का अलग अलग होता है इग्निशन। कोई जल्दी जल जाएगा, लकड़ी थोड़ा सा टाइम लेती है, तो उसका अलग अलग टाइम होता है आपका इग्निशन टेम्परेचर। सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी का ज्यादा होगा या किसी का कम होगा, ठीक है। उसके बाद दो सब्सटेंस होते हैं स्टूडेंट्स, एक आप फ्लेमेबल हो सकते हो, एक टर्म और होती है आपके पास स्पॉन्टेनियस। वैसे स्टूडेंट्स स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो खुद से हो जाए। अब इनमें देखो, लकड़ी को जलाना था, गैस को जलाना, तो बाहर से आपने कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अप्लाई करना, लकड़ी को जलाओगे तो भी आपको मैचस्टिक को जलाना है, तब भी रब करना पड़ेगा। कई सब्सटेंस ऐसे हैं जिसको बाहर से आपने कुछ नहीं डाला, अपने आप से ही वो इन्वायरमेंट से इतना टेम्परेचर इन्वायरमेंट वाला ही उनका राइज कर जाता है, अपने आप कैच कर लेते हैं फायर को। जैसे अगर आप पोटेशियम को या अगर आप सोडियम को बाहर रखते हैं तो इन्वायरमेंट में, तो वो अपने आप उनका इग्नाइट टेम्परेचर पहुंच जाता है इन्वायरमेंट वाला ही, बाहर से कुछ नहीं देना, आग को क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं फायर को, ठीक है, वाटर में या सिंपल थिंग्स में भी, ठीक है, बाहर से कुछ नहीं रहा, उनको हम स्पॉन्टेनियस बोल सकते हैं, फ्लेमेबल सब्सटेंस जो जल्दी कैच कर लेते हैं। इनफ्लेमेबल में थोड़ा सा टाइम लगता है आपका, ठीक है। तो ये वाली थिंग्स देख ली थी, उसके बाद आपको फ्लेम का हमने बता दिया, कलर का अलग रीजन क्यों होता है। फिर आपको जो हम फ्लेम्स बनाते हैं, मान लो ये हमने कैंडल्स बना दी ऐसे ऐसे, इसके अंदर वाला ये अंदर इनर जोन आपका सिंपल, और ये ऊपर आउटर जोन, इसमें 3-4 पार्ट है, उनको देखना है तो वह नेक्स्ट वीडियोज में हम कंप्लीट चैप्टर को ही कर लेंगे। तो काफी छोटा सा और सिंपल सा ये चैप्टर है आपका, अगर कोई क्यूरी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैप्पी लर्निंग।